नमस्कार दोस्तों, आज IPL का सातवां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया था। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए। अंत के ओवरों में महेंद्र सिंह धोनी के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और अपनी टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की शुरुआत शानदार थी और टीम ने इस सीजन पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। रॉबिन उथप्पा ने 25 गेंदों पर ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी खेली। इसके बाद मोइन अली ने 35 और शिवम दुबे ने 49 रनों की पारी खेलकर चेन्नई की पारी को आगे बढ़ाई। अंत में धोनी ने 6 गेंद में 16 रन बनाकर अपनी टीम का स्कोर 210 रन तक पहुंचा दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ की शानदार शुरुआत करना पड़ा था और लोकेश राहुल की कप्तानी पारी इस बार खेलनी होगी, तभी लखनऊ इस मैच को जीत पाएगी। चेन्नई के साथ बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। एंड्रयू टाई लगातार 2 विकेट लेकर आखिरी ओवर में चेन्नई को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने ही वाले थे। इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ने क्रीज पे आकर के लंबा शॉट खेला और छक्के चौकों की बरसात कर दी। इसके बाद वापस लखनऊ सुपर जायंट्स जो है देखना दिलचस्प होगा आज के इस मैच में, लखनऊ सुपर जायंट्स 211 रनों का लक्ष्य को पूरा कर पाती है या चेन्नई इस लक्ष्य को डिफेंड कर लेती है। बारबन स्टेडियम में हर बार जेज करती हुई टीम हर बार जीती है, इस बार देखना दिलचस्प होगा कौन सी टीम जीतती है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही IPL के हाइलाइट्स न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।